दादी को नहीं लेंगे, दादी से काम नहीं कराएंगे, दादी पे नजर रखेगी ना कौन कितना काम कर रहा है। कढ़ाई वढ़ाई लेके चल दिया सारा सामान। टाइम पे कंचन ने बोला था देखो अब दिन छिपने वाला है, अंधेरा होने वाला है। डिनर में मिल जाएगा। मैं नमक और तेल डाल दिया जो भी इसमें पड़ता। और ये देखिए सुबह ही सुबह कोमल जी पूजा कर रही हैं आज। क्या बात, रोज करती है कि आज ही कर रही है? रोज करती हूँ भाई, रोज पूजा करती है यहाँ पे आके कोमल। और क्या विश मांगती है, क्या बोलती है भगवान जी से? हम नहीं बताएंगे। क्यों, क्या हो गया बताने में? नजर लग जाती है भाई। ओहो, हम नहीं लगा रहे भाई आपकी उसमें नजर, चल कर ले पूजा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज मैं सुबह ही सुबह बाहर आ रखी हूँ गली में, कोमल पूजा कर रही है और देखो सामने कोई नहीं है, सुनसान पड़ी है गली इधर से भी और इधर से भी, सिर्फ कोमल और मैं हैं। पूजा करने आ रखी थी मैं कोमल के साथ, कोमल ने मुझे तो टीका लगाया नहीं, खुद खुद टीका लगा के बैठी हुई है। भाई देख लो कैसा भेदभाव होता है बहुओं के साथ है। ननद ननदगिरी दिखा रही है क्या मुझे? नहीं नहीं, वो मैं भूल गई। नींबू तोड़ ले यार, कैसे हो रहे नींबू? वो देखो सामने पीले पीले नींबू हो रखे, इतने सारे नींबू। नींबू पानी पियेंगे? रिंकू जब आएगा उसे तोड़वानी पड़ेंगे। हाँ, तू मुझे सलाह देती है कि चाय नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, और मिले नींबू ही तोड़ दे, नींबू पानी बना दिया कर फिर। यार मेरा हाथ नहीं जानेगा ऊपर। रिंकू आएगा ना तो रिंकू से तोड़वाएंगे। और अभी चलते हैं अंदर, पूजा वूजा तो कर ली मेम साहब ने, अब करेंगे ननद जी ने पूजा वूजा कर ली और अब करेंगे नाश्ता। मैंने तो कर लिया, मैं तो तेरे साथ ऐसे ही आई थी। अब ये नाश्ता करेगी और काम वाम निपटाएंगे घर का। सो काम निपटा के मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और यहाँ देखो कमरे में बैठी हुई है कोमल, रिंकी और ये भी बैठे हुए हैं। हेलो बोल दो। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और ना आज हम एक चीज प्लान कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। कोमल तू बताएगी कि मैं बताऊँ? मैं बताऊंगी। आज हम सोच रहे हैं कि हम चाउमीन बनाएं, कुछ नया करें, कुछ यूनिक सा। यूनिक तब ऑफ करेगी आज कोमल, कुछ यूनिक सा करेगी अलग सा। पर है क्या चाहिए आज हम? वो चीज ये है कि आज हम बनाने वाले हैं चाउमीन, वो भी पूरे देसी स्टाइल में, चूल्हे में बनाएंगे। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि हम चूल्हे में बना रहे हैं, स्पेशल बनाएंगे मिलके, बच्चा बड़ा बूढ़ा सब लोग। हम सब लोग दादी को नहीं लेंगे, दादी से काम नहीं कराएंगे, दादी पे नजर रखेगी ना कौन कितना काम कर रहा है, सफाई से कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिंकू कुन्नू जा रखे हैं स्कूल, तो हम सब मिलके बनाएंगे चाउमीन आज पूरे देसी स्टाइल में घर पे चूल्हे में। सो भाई यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि कौन कौन सी, मतलब चाउमीन कौन सी मंगाई जाए, मोटी वाली मंगाई जाए, पतली वाली, क्या निकला सामान मतलब चाहिए हमें चाउमीन बनाने के लिए? ओ तो लीडर कौन है, कौन लिखवा रहा है? भाभी। ये कंचन लिखवा रही है भाई सामान। भाभी कैसे मान रहा है कि मुझे बहुत अच्छी चाउमीन बनानी आती है? मैंने अब देखते हैं, अब देखते हैं। मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे बहुत अच्छी चाउमीन बनानी है, पर हाँ मैं बना। काम चलाओ है? काम चलाओ, काम चलाओ। और रिंकू पता क्यों आया? रिंकू सारी सारी उधेड़ देगा। और रिंकू पता क्यों आया? रिंकू सामान लेके आएगा। रिंकू इनका क्या है, सेल्समैन है। A few hours later. तो दोस्तों जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आज हम लोग कुछ स्पेशल प्लान करने वाले हैं, मैंने नहीं मतलब कंचन ने बोला था, और देखो कढ़ाई वढ़ाई लेके चल दिया सारा सामान। और जो हम लोग बनाने वाले हैं चाउमीन वो इधर बनाएंगे गाय वाले रूम में, यहाँ पर। हाँ भाई, गाय वाले घर में। पूरी की पूरी टीम लेके आई है कंचन है। पूरी की पूरी, एक को भी नहीं छोड़ा घर पे। हाँ, और गाय को भी दोगे क्या चाउमीन? हमारी गाय भी तैयार है। कंचन गाय को भी खिलानी पड़ेगी। आज टच कराऊंगा तुम्हें। और बारिश की वजह से ना पूरा यहाँ पे तो गीला गीला हो रहा है, लेकिन हमारा जो सेपरेट वाला रूम है ये, इस रूम में बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर बनाएंगे पहले चूल्हा। और देखो दोस्तों ये भी लेके आ रखे हैं रैकेट मच्छरों के लिए, ये जो कीड़े उठते हैं ना उनके लिए, मच्छरों के लिए रैकेट भी लेके आ रखे हैं, तो मच्छर भी नहीं लगने देगी कंचन। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से चूल्हा वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे। और पड़ेगी क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई करो भैया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सफाई वगैरह करो यहाँ पे, फिर चूल्हा बनाओ, और उसके बाद फिर सामान ही पूरा लेके आ रखे हैं, सब्जी भगोना, और उसके हाथ में चाउमीन भी है और हमारी मनु दीदी भी आ गई हैं। तो जल्दी से तैयारी करते हैं और फिर बनाते हैं चाउमीन। यार रिंकी तो लग गई झाड़ू लगाने में, और कुणाल चौधरी बना रहे हैं चूल्हा। बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, परफेक्ट तबाश। हल्की हल्की आग भी जलाई दी इन्होंने, बाकी कोमल और कंचन लग गई अपने काम पे। तुम रो रही हो? यू आर क्राइंग? नहीं रो नहीं रही हूँ, प्याज काट रही हूँ तो आंसू। प्याज काट रही है तो आंसू आ रहे भाई। उधर सब्जियां काट दी कोमल ने और प्याज काट रही है कंचन। अच्छा बनना चाहिए, ठीक है, देखूंगा आज 10 में से कितने नंबर देता हूँ मैं तुम्हें। 10 में से आप 20 नंबर दोगे। अच्छा ठीक है, सभी कुछ है क्या? 20 नंबर मिलते हैं क्या? ओ भाई
कुन्नू ने सैनिटाइजर की बोतल ले रखी है, आग जला रहा है। जब पन्नी वगैरह जलाते तो बहुत देर लग जाती है भाई, तो वहाँ पे सैनिटाइजर डाल रहा तो एकदम आग लग जा रही है। टैलेंट लगाने में तो एक्सपर्ट ही है। क्या आग लगाने में एक्सपर्ट ही है वैसे भी? है भाई, तू आग लगाने में एक्सपर्ट है। जो जो है आग वैसे कर देता है। और भैया इस चेयर से आग जलाने पे लगे हुए और आग जली गई भाई, भगोना भी चढ़ा दिया हमने। सारा जो खेलता वो सैनिटाइजर का वजह से। इस सैनिटाइजर ने दोस्तों हमारी मदद करी आग जलाने में। बहुत कंपनी का द्वारिकेश कंपनी का सैनिटाइजर है, बहुत अच्छा सैनिटाइजर है भाई। आग जलवाई दी इसने, आग दिखा कितनी जोरदस्त आग जला, आग जलवाई दी इसने और भगोना भी चढ़ा दिया हमने। थोड़ी देर में हम लोग बनाने वाले। संचन ने सब्जी काट ली, बस कट गई, बहुत काट रही है। कोमल सब्जी काट रही है, मैंने भगोना चढ़ाया और मैंने इसमें भी चाउमीन के पैकेट तोड़ के डालूंगा। उसे बॉइल करनी है ना। हाँ, उसे बॉइल करना, ऑयल डालो और थोड़ा सा नमक डालो। किसमें? इसमें तेल में। हाँ। पानी में ऑयल डालना भाई। जैसे जैसे ये बोलेगी वैसे वैसे हम लोग करेंगे, जैसे जैसे शक्तिमान बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है। हाँ, ये बात है ना। सो भाई अब मैं भी कैमरा वैमरा बंद करता हूँ और मैं भी इनकी मदद कराता हूँ, नहीं तो ये खाने को नहीं देंगे चाउमीन। बिल्कुल नहीं मिलेगी, मदद नहीं कराएगा तो। अब तो सीधा सीधा भैया ने कह भी नहीं मिलेगी खाने को, तो मदद कराते हैं जल्दी से इनकी। लो जी पानी भी गर्म हो गया है और पानी में तेल और नमक भी डाल देता भैया ने। डाल दो जल्दी चाउमीन। लो पहला पैकेट तो गया। कितने पैकेट है चाउमीन के? तीन पैकेट है, पहले दो डाल के देखेंगे उसके बाद तीसरा डालेंगे अगर जरूरत होगी तो। और मेरे मुंह में इतना धुआं आ रहा है ना, तो एक आंख बंद करके बोल रहे हो, सही से बोलो। एक आंख में इसलिए बंद कर रही हूँ, मेरे आंखों के अंदर धुआं घुस रहा है भाई। ठीक जल्दी डालो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चाउमीन रख दिया उबालने के लिए और इसमें नमक और तेल डाल दिया जो भी इसमें पड़ता है और फटाफट से इसमें ढक्कन रखते हैं और उबालते हैं इसे। कितने परसेंट पकाना है इसे? पकाना है मैक्सिमम 70 और 80%। ओ भैया दोस्तों आग अच्छी जली रही है और ये पकेगा 70। कितने मिनट लेंगे इसे पकने में? 15-20 मिनट लग सकते हैं, मतलब 15 मिनट मिनिमम है। कोमल सब्जी कट गई? हाँ। ओके भैया, कोमल ने सब्जी उधर काटी थी। कोमल बहुत काम करती है। अब मनु बैठे बैठे खड़े खड़े देख रही है। क्या दर्शक है? दर्शक है। सबसे बढ़िया जो काम दिया है वो इसे दिया है, पंखा हवा करने का सबको है। किसने दुआएं देंगे? दुआओं वाला काम कर रही है। 1, 2, 3, 4 चारों लोग इसे दुआ देंगे। मैं तो दुआ दे रहा हूँ। शाबाश शाबाश। और शाम भी हो गई है, स्नैक्स का टाइम, मतलब अभी तक भाभी ने स्नैक्स बनाए नहीं और स्नैक्स का टाइम पहले हो गया। हम इंडिया में रहते हैं भाई, डिनर में तो रोटी सब्जी खाएंगे। और यहाँ देखिए बॉस आए ट्यूशन से डायरेक्ट, रिंकू चौधरी हमारे बीच आए। देखो कितनी डेडिकेशन, बेचारे का शकल आप देख सकते हो, पसीने पसीने में भागा भागा आया होगा कि चाउमीन काम देता हूँ इसे लगा होगा। चाउमीन बन गई, तुझे पता क्या काम देगा? कुछ खत्म ना हो जाए इसकी सीधा। हाँ हाँ वही, इसलिए भागा भागा आया। मुझे तो मिला ही नहीं। फाइनली हमारी चाउमीन अच्छे से उबल चुकी है। उबल गई कि नहीं उबली? हाँ बस उबल ही गई, एक चेक करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। एक चेक क्या खा के चेक करोगे? खा के नहीं, दबा के चेक करूंगी कि मतलब कितनी उबली है। ओ देखना दोस्तों उबल तो गई, मुझे तो लग रहा उबल गई। और आग भी देखो कितनी अच्छी चल रही है, जरा देख के बताओ उबल रही है, उबली कैसी है? एक सेकंड तो हो गया। एक सेकंड तो कब का हो गया? ये टाइम लगता है। हो गई, थोड़ा सा कसर रह गई, बस थोड़ी सी कसर रह गई दोस्तों, बस होने वाली है ऑलमोस्ट। चाउमीन उबाल के तो ये लिया है देखो दोस्तों, और अच्छी लग रही है देखने में तो। बाकी अब कंचन छौंक रही है, छौंका मार रही है छौंका। कम ऑन कंचन। ओ भाई धुएं निकाल दिए तुमने तो, वाह वाह वाह। तो दोस्तों पसीने में देखो मेरा मुंह कैसा हो गया, एकदम पूरा मुंह भीग गया पसीने से। और देखो सब लोग यहीं खड़े हैं, कंचन जी छौंक रही है और जितने जितने कंचन क्लोज आती जा रही है ना अपनी प्रोसेस के नजदीक आती जा रही है कंप्लीट करने में, मतलब चाउमीन बनने वाली है, उतना उतना मेरे पेट में ना चूहे और ज्यादा दौड़ने लगे हैं कि कब मैं कंचन की हाथ की चाउमीन टेस्ट करूंगा। सभी करेंगे। हाँ मतलब सभी करेंगे, और कौन अच्छा बोलेगा और कौन गंदा बोलेगा। तो भाई कंचन ने अपनी सीट चेंज कर दी, वहां से कंचन वहां चली गई है और मसाले वगैरह डाल रही है। मसाले डाल रहे हैं और बस तैयार होने वाली है, बस थोड़ी ही देर में। वाह शाबाश। ये देखो दोस्तों अभी तो डाली है चाउमीन। हाँ भाई वेट कर रही है। हाँ वेट तो वही है सबको ही है। रिंके ये अभी आई है लड़की, मैं बहुत ज्यादा हूँ, मेरी फेवरेट चीज बन गई। अच्छा तो तभी तो इतनी लेट आई है सबसे ज्यादा, कुछ नहीं कराया इस लड़की ने। A
A few moments later. Finally, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद पहले कंचन फिर कोमल एंड देन कुणाल. इतनी बड़ी कढ़ाई में मेरे बस का नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने एनिमी को भी बुला लिया साथ में काम करने और अपने लवर को भी बुला लिया. और ये देखो दोस्तों फाइनली बन चुकी है और ये कलर आया है बनने के बाद. अभी अंदर हम जाएंगे ना, जब अपने कमरे में अपने घर में जाएंगे तो और अच्छा कलर आएगा. घर जाकर जब खाएंगे ना तब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है. फिलहाल देखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है. तो दोस्तों आ गए सब लोग रूम में और ये देखो पूरी टी शर्ट भीग गई, इतनी गर्मी लग गई भाई वहाँ तो. और देखो यहाँ पर कोमल कैसी बनी है भाई. बहुत बढ़िया. अरे मेहनत करी आपने, अच्छी तो बनी होगी. सब लोग बैठ के खा रहे हैं, सब बच्चा पार्टी. बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. रिंगो तुम भी बता दो. बढ़िया, उधेड़ दी तुमने तो पूरी. खाने में बिजी है भाई. तो गाइस मैं भी जल्दी से खाता हूँ क्योंकि मेरी भी ये रही, अब जल्दी से ठंडी हो जाएगी वरना तो हम भी खाते हैं. क्योंकि इन लोगों ने देखो एक राउंड तो खत्म कर दिया, दूसरे राउंड के लिए रेडी हो रहे हैं. आज बिना खाना खाए जो तुम बाहर घूम रही हो, आज क्या पचा रही हो भाई? बिना खाना खाए नहीं, चाउमीन चाउमीन पचा रही हूँ मैं. तो दोस्तों आज खाना तो खाया नहीं, वही चाउमीन वगैरह ही खाई थी थोड़ी सी. उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं करा क्योंकि कंचन की चाउमीन में खाना बनाया नहीं. चाउमीन में चाउमीन तो मैंने कम ही खाई है, लेकिन उसमें प्यार बहुत सारा था. अब प्यार था कि क्या था, लेकिन हाँ भूख नहीं लगी उसके बाद मुझे, तो खाना नहीं खाया. और वो चाउमीन जो थी ना थोड़ी सी खाई थी, वो पचाने के लिए हम लोग बाहर घूम रहे हैं, कंचन और मैं, बाकी सब खाली पड़ा है. सब लोग टहल टहल के चले गए. बाकी दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो चैलेंज के. चैलेंज होगा कल, तो कंचन ने रिवील कर ही रखा है, तो वो चैलेंज हम लोग सोच रहे हैं. तो कल मिलेंगे आपसे. बाकी एक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.